नाउ इन प्रोडक्ट रूल, अभी आपने पढ़ा है कि हमारे पास अगर दो फंक्शन जो है वो जमा या नफी के फॉर्म में हो तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, और आप लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ा, वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल डेरिवेटिव वन होता है ये पढ़ा, इसके अलावा आप लोगों ने क्या पावर रूल के बारे में पढ़ा। अब एक और रूल है वो है प्रोडक्ट रूल, यानी अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। ठीक है, ये देखें हमारे पास दो फंक्शन आ गए और ये किसके फार्म में है, प्रोडक्ट के फार्म में है, और हमने इनका डेरिवेटिव लेना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इटसेल्फ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इटसेल्फ, सेकंड इटसेल्फ रह जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पहला वैसे ही रहने देंगे, दूसरे का डेरिवेटिव दरमियान में जमा हमेशा जमा रहेगा और जमा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और सेकंड इटसेल्फ रहेगा, फर्स्ट इटसेल्फ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इटसेल्फ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है चाहे मल्टीप्लाई करके, अब देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो जमा या नफी के फॉर्म में होंगी, तो आप जैसे सिंपल फॉर्म में डेरिवेटिव लेते थे तो चाहे वैसे डेरिवेटिव ले लें, या अगर प्रोडक्ट हैं, अब जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट फार्मूला लगा दें। मैंने क्या किया, लेट कर लें कि y के बराबर है, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने क्या किया, पहले फंक्शन को पहला कह दिया, दूसरे फंक्शन को दूसरा कह दिया, आपकी मर्ज़ी जो से मर्ज़ी फंक्शन को यहाँ पे पहला कह दें और दूसरे को दूसरा कह दें। एक है हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इधर से भी dy बाई dx लिख दें, लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी। अब पहले को पहला कह दिया, दूसरे को दूसरा कह दिया, फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ यानी रूल के मुताबिक चलें, फर्स्ट इटसेल्फ एफ ऑफ एक्स क्या, एक्स माइनस फाइव वो इटसेल्फ आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी डी आवर डी एक्स ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्या मतलब क्या है, डी आवर डी एक्स ऑफ सेकंड कौन सा है, थ्री माइनस एक्स, तो ये आ गया। ठीक हो गया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डी आवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस फाइव उसका डेरिवेटिव आ गया, और जी ऑफ एक्स इटसेल्फ यानी वो देखे मैंने इटसेल्फ लिख दिया। ठीक हो गया, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने डेरिवेटिव x माइनस फाइव के साथ लिखा तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसका, नहीं, इसका मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव लेने के बाद ये टर्म मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। ठीक हो गया, यहाँ पे x माइनस फाइव इटसेल्फ, अब इसका डेरिवेटिव, अब ये देखें दोनों दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव यानी जो रूल आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो, और माइनस एक्स यानी सेम वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, प्लस इधर भी ये भी दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस सेकंड का डेरिवेटिव ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इटसेल्फ रह जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, कॉन्स्टेंट फंक्शन का ज़ीरो आ गया, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव वन आ गया, बीच में माइनस था तो माइनस आ गया, इधर भी ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वन आ गया, माइनस वन इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे वन आ गया, तो यहाँ पे नो चेंज आएगा, तो इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस का टू एक्स प्लस एट आ गया। अब इस तरह ये मैंने देखें चार पांच क्वेश्चन बना दिए, अब ये आप लोगों ने, ये आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे इसी वीक में यानी बिफोर मंडे आप लोगों ने मुझे जो है पिक्चर्स बना के ये मुझे यहीं पर ग्रुप में ही फॉरवर्ड करने हैं। ठीक हो गया, अब ये देखें हमारे पास ये फंक्शन जो है सम के फॉर्म में और पावर मौजूद है, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखें नेगेटिव पावर के साथ मौजूद है तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब ये तीनों फंक्शन आ गए, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो आपने बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कोशेंट रूल पढ़ेंगे, यानी अगर हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे तो हम उनको किस तरह सॉल्व करेंगे, और बाकी एक्सरसाइज में जो टफ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम जो है फंक्शन को अगर जमा हो रहे हैं तब डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर रूल लगाना आप लोगों को आना चाहिए, और इनको प्रोडक्ट रूल लगाना आप लोगों को आना चाहिए कि मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, जमा हो रहे हैं नफी हो रहे हैं ये पावर रूल कैसे लगाया जाता है। यानी मंडे बिफोर आप लोगों ने ये पाँचों के पाँचों सवाल भी करने हैं, और मुझे इनकी ये पिक्चर बना के भी मुझे सेंड करनी है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने काम किया है, और यही क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन मैंने खुद बना के दिए हैं ताकि आप लोग इनको ट्राई करें, क्योंकि इनका आंसर पीछे बुक में नहीं मौजूद होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन रूल वाले क्वेश्चन रह गए हैं, वो फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। लेकिन बिफोर नेक्स्ट लेक्चर
आप लोगों को चार पांच बातों का पता होना चाहिए कि दो फंक्शन जमा हो रहे हैं या नफी हो रहे हैं, तो आप लोगों ने उन्हें कैसे सॉल्व करना है, प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना है, पावर रूल कैसे यूज़ करना है, कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है और सेम वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव जो होता है वो वन होता है। तो बिफोर मंडे आप लोगों ने मुझे ये जो असाइनमेंट है आप लोगों की, आपने मुझे सबमिट करानी है, ठीक है? समझ आ गई?